hi friends and dear students welcome back to my youtube channel ss pediatrics my today's topic which is i am going to discuss with you is hemophilia hemophilia again uh, it is a one of the blood disorder and it is an inherited genetic blood disorder uh, and uh, in my today's lecture i will discuss with you regarding the types of hemophilia its clinical manifestation its diagnostic evaluation and the management regarding the hemophilia बेसिकली uh, हीमोफीलिया uh, में होता क्या है एज अ नेम इंडिकेटिंग हीमोफीलिया मीन्स हीम एंड इट इज़ अ ब्लड डिसऑर्डर सो यहाँ पे क्या होता है हमारी बॉडी में डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं और डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स के बेसिस के ऊपर ही इसकी क्लासिफिकेशन की गई है जो भी क्लॉटिंग uh, फैक्टर्स जो भी पेशेंट uh, हमारे पास होगा हीमोफीलिया का उसकी बॉडी में कोई भी टाइप का क्लॉटिंग फैक्टर अगर मिसिंग होता है इफ देर इज अ डेफिशंसी ऑफ एनी वन ऑफ द क्लॉडिंग फैक्टर सो वो एक स्पेसिफिक टाइप uh, हमारे पास हीमोफीलिया की उसमें आएगी जो मैं आपको अपने वीडियो लेक्चर में बताऊँगी टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया में और आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अगर पर्सन की बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग है उनकी डेफिशिएंसी है ड्यू टू अ वन ऑफ द रीजन दैट इज़ अ जेंटिकल रीज़न तो वो मिसिंग है तो उसकी बॉडी में ब्लड कॉकुलेशन नहीं हो पाता है ठीक है सो दिस इज द वन ऑफ़ द इम्पॉर्टेंट ब्लड डिसऑर्डर दैट इज द हेमोफीलिया सो आज के लेक्चर में आपको बताऊँगी सो लेट स्टार्ट विद द टॉपिक हीमोफीलिया सो स्टार्ट विद द टॉपिक हीमोफीलिया हिमोफीलिया इज़ अ ग्रुप ऑफ हैडिट्री जेंटिक डिसऑर्डर दैट इम्पेयर द बॉडीज़ एबिलिटी टू कंट्रोल द ब्लड क्लॉटिंग और कॉकुलेशन जैसे कि मैंने आपको वीडियो के इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि हिमोफीलिया जो है वो एक जेंटिकल डिसऑर्डर है ब्लड जेंटिकल डिसऑर्डर विच इज़ इन्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन ठीक है और इसमें बेसिकली क्या होता है जो काकुलेशन पावर है विच इज़ समेयर गेन बाय द बॉडी बाय द क्लॉटिंग फैक्टर्स ठीक है तो वो क्लॉटिंग फैक्टर्स में यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाती जिसकी वजह से जो ब्लड क्लॉटिंग का uh, जो पूरा कंट्रोल है वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड विच इज़ यूज टू स्टॉप द ब्लीडिंग वन द ब्लड वेसर इज ब्रोकर सो हीमोफीलिया ए द ग्रोटिंग फैक्टर एट डेफिशेंसी की वजह से होता है हेमोफीलिया ए एंड द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डिसऑर्डर विच इज प्रेजेंट इन अबाउट वन इन फाइव टू टेन थाउजेंड मेल बर्थस स्पेशली एंड हीमोफीलिया बी विच इज कॉज बाय द डेफिशेंसी ऑफ द डेफिशियॉटिंग फैक्टर नाइन एंड नेक्स्ट इज द रिव्यू ऑफ द नॉर्थ मेन अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ रिगार्डिंग द ब्लड कॉकुलेशन सो दिस इज द ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म जब भी कोई इंजरी होती है विद इन द ब्लड वेसल कोई इंजरी होती है तो वहाँ पर प्लेट्स जब वो उस वूड के पास में क्लम्पअप हो जाते हैं एंड दोज रिलीजिंग दोज प्लेट्स रिलीज द थ्रोम्बोकाइनेस एंड दिस थ्रोम्बोकाइनेस एक्ट ऑन द प्रोथ्रोम्बीन अलॉन्ग विद द कैल्शियम आयस टू फॉर्म द थ्रामबीन अलॉग विद द फेबनिजन एंड फार्मुलेटिंग द क्लॉट विच इज फॉर्म टू स्टॉप द फर द ब्लड लॉस और द ब्लीडिंग this is a normal blood clotting mechanism why blood clotting needed to prevent the excessive blood loss from the body when there is a damage of the blood vessel and maintain the blood pressure to ensure the proper blood circulation and prevent the entry of the microorganism and the foreign particles into the body through the wound and promote the wound healing सो दिस इज हीमोफीलिया में बेसिकली क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्मली क्या होगा एक साइड पर नॉर्मल क्राइटेरिया शो किया गया एक साइड हीमोफीलिया का क्राइटेरिया शो किया गया है इंजरी हमारे पास होती है ना स्टेप वन इंजरी टू द ब्लड वैसल रिजल्ट इन द ब्लीडिंग एंड इन स्टेप टू वैसल कंस्ट्रिक्ट एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर एक्टिवेट तो जैसे ही वैसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं वैसे ही क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं इन केस ऑफ नॉर्मल अलॉन्ग विद द अदर सबस्टांसिस क्लॉटिंग फैक्टर एट नाइन एना अद क्लॉडिंग फैक्टर कॉजिंग अ स्ट्रॉग प्लेटलेट प्लग टू फॉर्म ठीक है तो वो प्लेटेड प्लग वहाँ पर बन जाता है एंड अ स्टेबल फेबरिंग क्लॉट वहाँ पर फॉमुलेट हो जाएगा ओवर द प्लेटेड प्लग एज अ फाइनल शीट ऑन द इंजरी बट ऑन द साइड ऑफ हीमोफिलिया ए ड्यू टू द डेफिशंसी ऑफ द लैकिंग ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर एट तो वो वहाँ पर एक प्लेटलेट का प्लग वीक बनता है अच्छे से नहीं बनता है एंड इनकम्प्लीट बनता है वो विच डिले इन द फेबरिन क्लॉट की फॉर्मेशन नहीं होती डिले हो जाती है और वहाँ पे ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो पाती है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ हीमोफीलिया हीमोफीलिया इज अ ग्रुप ऑफ हैडिटरी जेनेटिक डिसऑर्डर्स दैट इंपेयर द बॉडीज एबिलिटी टू कंट्रोल द ब्लड क्लॉटिंग ऑफ द काकुलेशन विच इज यूज टू स्टॉप द ब्लीडिंग वेन ब्लड वेसल इज ब्रोकन And hemophilia is a hereditary bleeding disorder in which there is a partial or the total lack of an essential blood clotting factor. And it is a ए लाइफ disorder डिसऑर्डर ऐसे नहीं है कि आज कुछ हुआ तो ट्रीटमेंट दे दिए तो ठीक हो जाएगा कि ये सब ये ऑल ओवर क्लियर चीज़ है कि जेनेटिकल डिसऑर्डर्स जो है वो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहते हैं हम उनके साथ कुछ सर्वाइवल ट्रीटमेंट की मोडालिटीज़ यूज़ कर सकते हैं अपने सर्वाइवल के लिए फॉर मेकिंग अ लाइफ बेटर बट उसको हम लाइफ लॉन्ग रहना है उस कंडीशन के साथ ठीक है दैट रिजल्ट इन द एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड मैनी टाइम्स स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो सकती है विच वेरी ऑफन इज इंटरनल ज्यादा होता है ब्लीडिंग इंसिडेंस Hemophilia A due to the clotting factor 8 ka deficiency, hemophilia A is the most common form of the this hemophilia uh, this disorder, and uh, present in about one in five to ten thousand male births. And hemophilia uh, B occurs in around one in about twenty to thirty four thousand male births. And uh, like uh, most uh, recessive sex-linked X chromosome disorder, hemophilia is more likely to occur in the males than the फीमेल क्योंकि ये जो डिसऑर्डर है दिस सेक्स लिंक्ड एक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर है ठीक है तो रिसेसिवली तो वो इतना फीमेल्स में शो नहीं हो पाता है मेल में शो करता है कॉजेज जेनेटिक म्यूटेशन इनहैटेड हीमोफीलिया एक वन ऑफ द रीजन इज ए जेनेटिकल म्यूटेशन जो हुआ है जीन्स में जो जीन्स सम रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द अकॉर्डिंग फैक्टर्स उनमें ही प्रॉब्लम आ जाती है And uh, hemophilia is caused by a mutation or change in one of the genes that provides instructions for making the clotting factor proteins needed to form a blood clot, and it is caused by a fault in one of the genes that determine how the body makes a blood clotting factor. ठीक है तो वो स्पेसिफिक जीन्स जो सबको पता है कि जीन्स हमारा एक कोडिंग की तरह काम करते हैं और इंस्ट्रक्शंस कैरी करते हैं कि ये चीज़ ऐसे बॉडी में होने वाली है ठीक है तो वो इंस्ट्रक्शंस जो उस जीन्स पे थी जिन्होंने क्लॉडिंग फैक्टर की फॉर्मेशन करनी है उनकी फंक्शनिंग को बनाना है हर एक चीज़ को कैरी ऑन करना है वो चीज़ मिसिंग है ठीक है सो दिस जीन्स आर लोकेटेड ऑन दिस एक्स क्रोमोसोम और वहाँ पर वो प्रॉब्लम आराइज हो जाती है म्यूटेशन हो जाता है एंड दैट विल लीड टू द दिमोफीलिया सो दिस इज़ अ जेंडिकल ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन जो यहाँ पे शो किया गया है इस डिसऑर्डर का इनहैटेंस ऑफ हीमोफीलिया फ़ादर विद द हीमोफीलिया एंड द मदर हु इज़ नॉट अ कैरियर क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये हमारे पास जो है वो रिसेसिव uh, जो है वो सेक्स एक्स लिंक क्रोमोसोम का एक रिसेसिव डिसऑर्डर है हमारे पास ठीक है तो ये यूजली मेल को ज़्यादा अफेक्ट करता है तो यहाँ पर फादर विद द हीमोफीलिया एंड मदर इज़ नॉट इवन अ कैरियर ठीक है तो इसी कंडीशन uh, में क्या होने वाला है अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है ठीक है सो so, अगर एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं ठीक है मीन्स क्योंकि एक्स लिंक्ड है ये तो एक्स वाला ही कैरी करेगा मेल में जो एक्स वाला है वही हीमोफीलिया की जीन्स कैरी करता है वाई कैरी नहीं करेगा मेल की बॉडी की वाई जो जीन्स हैं वो कैरी नहीं करेंगे ठीक है तो अगर फीमेल का एक्स नॉर्मल ही है फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम्स तो अगर वो फीमेल का एक्स और मेल का वाई दैट मीन्स सन तो वो सन क्या हुआ? हीमोफीलिया ठीक है और अगर एक्स मेल का वो रेड कलर का रेड से शो किया गया जीन तो आ जाता है और का तो डॉटर तो क्या बन गई कैरियर अगेन सन की बात करते हैं तो सन तो हमारे पास वाई से ही होगा मेल का वाई तो वो नॉर्मल हमारे पास आ गया ठीक है देन डॉटर अगेन इज अ कैरियर ठीक है तो ये कब हुआ जब हमारे पास मदर इज हु इज नॉट अ कैरियर मदर कैरियर भी नहीं है अगर मदर कैरियर होगी तो वो लेटर ऑन चीजें अफेक्ट करेंगी ठीक है बट यहाँ पे क्या है यहाँ पे फादर विद द हीमोफीलिया था तो हमारे पास ये एक परसेंटेज की रेशियो आती है कि इतना इतना परसेंटेज चांसेस हैं कि वहां पे एक कितना रेशियो में हीमोफीलिया की कंडीशन अराइज हो सकती है नेक्स्ट है इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया कैरियर मदर एंड फादर विदाउट हीमोफीलिया अभी यहाँ पे क्या है जैसे अगर इसमें से कोई देखेंगे तो सन अगर निकलता है विदाउट हीमोफीलिया के भी होते हैं में सबको तो नहीं होता ना हीमोफीलिया तो जो एक विदाउट हीमोफीलिया का जो फादर है और मदर कैरियर है पीछे से कभी किसी की जनरेशन में हुआ होगा तो वो कैरियर है अभी यहाँ पे एक रेशो हम देखते हैं कि कैसे ये चीज़ निकल के आएंगी तो यहाँ पे भी अगेन एक्स एंड वाई तो सन विदाउट हीमोफीलिया कैरियर फॉर हीमोफीलिया जीन डॉटर ठीक है तो वो हो गया एंड सन हैज हीमोफीलिया क्योंकि सन में अगर वो एक्स फीमेल का आ गया और मेल का वाई भी आ गया तो वो एक एक्स वाई अगेन पहुंच गया और वो एक्स डिफेक्टिव है ठीक है क्योंकि मदर कैरियर है तो मदर के दोनों एक्स पे डिफेक्ट नहीं है वो मदर के सिर्फ एक एक्स पे है और मदर का वो एक एक्स अगर फादर के वाई से हुआ तो सन अफेक्टेड अगर मदर का वो नॉर्मल एक्स के साथ वाई अगर फ्यूज करता है देन दैट विल बी द सन विदाउट हीमोफीलिया एंड डॉटर डज नॉट कैरिंग द हिमोफिलिया अगर दोनों तरफ से नॉर्मल एक्स एक्सफ्यूज करते हैं दो मेन फोकस जो हमारे पास होना चाहिए दैट इज डिफेक्ट वाला जी है वो किससे क्रॉस ओवर करा और वो जहां पर भी जाएगा वो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर सन में जाएगा तो हिमोफिलिया होना ही होना है अगर डॉटर में जाएगा देन डॉटर विल बी वन ऑफ द कैरियर क्योंकि फीमेल में ये जीन एक्सप्रेस uh, नहीं करता है ठीक है नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया hemophilia हीमोफीलिया ए और hemophilia. पर्सन विद द टाइप ऑफ hemophilia हैज लो लेवल ऑफ दिस completely मिसिंग so so, uh, me factor, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे पास हैं एट एंड एटी परसेंट ऑफ द पीपल विद द हेमोफीलिया हैव द टाइप ए हेमोफीलिया सो बेसिकली टाइप्स में फर्स्ट हमारे पास टाइप ए हीमोफीलिया आता है जिसमें मैंने आपको पहले भी चीज़ें क्लियर की कि हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर एट की अगर डेफिशेंसी है वो मिसिंग है तो वो होगा हमारे पास हीमोफीलिया ए then hemophilia B that is due to the deficiency of clotting factor नाइन जिसे हम uh, usually क्रिसमस uh, डिजीज भी कहते हैं hemophilia C this person has low level of or is missing completely factor इलेवन की deficiency या कुछ level तक अगर missing होता है तो ये and it can show up in both males and females ये देखा गया कि कुछ एक ratio में ये male female में भी देखा गया है ये hemophilia C के जो results हैं दैन टाइप ऑफ हीमोफीलिया ये टेबल की फॉर्म में यहाँ शो किया गया है ए बी सी एंड ए इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेमोफीलिया सीवियर होता है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फैक्टर ए डेफिशियंसी और क्लासिकमोफीलिया हम इसको बोलते हैं एंड टाइप बी इट इज़ अ सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेमोफीलिया मॉडरेट लेवल पर होता है एंड इट वॉज ओरिजिनली नेम्ब एज अ क्रिसमस डिजीज़ एंड कॉज बाय द फैक्टर नाइन की डेफिशेंसी की वजह से होगा

And uh, severe hemophilia sufferers will have excessive bleeding after the injuries, surgery, and can also have spontaneous bleeding episodes. And uh, they can also have joint bleeding and uh, prolonged bleeding into the muscles, sometimes without the person's knowledge, you know, and joint bleeding and that will cause a deterioration of the joints and that may causing arthritis. मॉडरेट लेवल का अगर हम देखें यहाँ पे सीबीटी को अगर हमने मॉडरेट लेवल पे लेके आए हैं तो अबाउट टेन परसेंट ऑफ द दिमोफीलिया आर कंसीडर मॉडरेट एंड मॉडरेट सफरर्स मे हैव स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग एपिसोड्स एंड विल प्रोबेबली हैव प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग आफ्टर द इंजरीज देन माइल्ड अबाउट टेन परसेंट ऑफ द हीमोफीलिया सफरर्स आर कंसीडर माइल्ड

General symptoms bleeding into joints muscles causes pain and swelling and uh, frequent nose bleeds and uh, abnormal bleeding after the injury or the surgery and uh, blood found in the urine and the uh, easily bruising ho jata skin ke External bleeding may include bleeding in the mouth from a cut or a bite or from cutting or losing a tooth and uh, nose bleeds for no obvious reason and uh, heavy bleeding from a minor cut and bleeding from a cut that resumes after stopping for a short time and internal bleeding may include blood in the urine and blood in the stool and large bruises from the bleeding into the large muscles and bleeding in the joints bleeding in the knees elbow and other joints is another common form of internal bleeding in the people who have the hemophilia and this bleeding causing the tightness in the joints तो पेशेंट को कैसा फील होगा कि उसके जॉइंट स्टिफ हो रहे हैं उसको टाइटनेस फील हो रही है और वो इतना रियल पेन तो नहीं होगा बट कुछ वहाँ पे ब्लीडिंग के कोई विजिबल साइंस शो हो सकते हैं एंड द जॉइंट देन बिकम्स वॉलन एंड हॉट टू टच एंड पेनफुल टू बैंड एंड ब्लीडिंग इन द ब्रेन लॉन्ग लास्टिंग पेनफुल हेड रहती है पर्सन को नेक पेन हो रही है स्टिफ नेक हो रहा है उसका सडन वीकनेस फील करता है ठीक है उसकी आर्म्स लेग्स में मतलब थोड़ा सा टम्बलीनेस फील होता है एंड डबल विज़न वीजन कन्वर्जेंस की प्रॉब्लम भी हो सकती है ब्लीडिंग फ्रॉम द माउथ और नोज ब्लीड्स ब्लीडिंग आफ्टर डेंटल प्रोसीजर्स इज कॉमन एंड उजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द गम्स मे अकर इन यंग चिल्ड्रन वैन न्यू टीथ आर इनक मेजर्स डायग्नोस इंक्लूड स्क्रीनिंग टेस्ट एंड क्लॉटिंग फैक्टर टेस्ट द ब्लड टेस्ट शोज द टाइप ऑफ हीमोफीलिया एंड द सीवीअर और हम इसमें फैमिली हिस्ट्री ले सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ द ब्लीडिंग अगर किसी फैमिली हमें है सच एस फॉलिइंग सर्जरी और इंजरी और अनएक्सप्लेन डेथ्स अमंग ब्रदर्स सिस्टर्स और अदर मेल रिलेटिव सच मेटरनल अंकल्स ग्रैंड फादर्स और कजन्स शुड भी डिस्कस्ड विद द डॉक्टर टू सी इफ द हेमोफिलिया वॉज अ काज एंड स्क्रीनिंग टेस्ट हम इसमें कर सकते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट ब्लड टेस्ट ठीक है दो मे हेल्प टू आइडेंटिफाई और शो इफ़ द ब्लड इज क्लॉटिंग प्रॉपरली एंड टाइप ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट आर कंप्लीट ब्लड काउंट और एक्टिवेटेड पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम टेस्ट हम इसमें ले सकते हैं एंड थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट हम इसमें ले सकते हैं कितना टाइम लग रहा है नॉर्मली ब्लड को क्लॉट होने के लिए ठीक है तो वो हम इसमें चेक कर सकते हैं फिब्नोजन टेस्ट एंड क्लॉटिंग फैक्टर टेस्ट हम इसमें कर सकते हैं देन फीटल डायग्नोसिस पे जो प्रेग्नेंट जो वुमेन होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना है हु आर नॉन हिमोफीलिया जिन्हें पता है एंड हैव द डिसऑर्डर डायग्नोज इन दियर अनबॉर्न बेबीज एज अर्ली एज अ वीक्स बीक्स इन टू दियर प्रेगनेंसिस सो वुमन हु आर हीमोफीलिया कैरियर्स ऑल्सो कैन हैव द प्री इम्प्लान्टशन डायग्नोसिस टू हैव चिल्ड्रन हु डोंट हैव हीमोफीलिया एंड फॉर दिस प्रोसेस वुमेन हैव देयर एग्ज रिमूवड एंड फर्टिलइज बास पर्मिनल लेबोरेट्री एंड द एम्ब्रुअस आर देन टेस्टिड फॉर द हिमोफीलिया Then, how to deal with the hemophilia? Treatment. So, next is the treatment, clotting factor concentration. Uh, इसमें हम क्या करेंगे हीमोफीलिया uh, को ट्रीट करने के लिए हम रिप्लेस करेंगे जो भी मिसिंग ब्लड क्लॉडिंग फैक्टर्स हैं हीमोफीलिया पेशेंट के अंदर जो क्लॉडिंग फैक्टर मिसिंग है वो हम उसकी बॉडी में इन्फ्यूज कर देंगे दैट मे बी बाय इंजेक्टिंग अ क्लॉडिंग फैक्टर कंसनट्रेट इंटू अ वेन एंड इन्फ्यूजन ऑफ द क्लॉडिंग फैक्टर्स हैव द ब्लड टू क्लॉड नॉर्मली क्लॉडिंग फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी कैन ट्रीट द ब्लीडिंग एपिसोड्स और प्रिवेंट द ब्लीडिंग डेस्मोप्रेसिन फॉर हीमोफीलिया ए दिस मेडिकेशन इज अ सिंथेटिक हॉमोन विच एनक्रेज द बॉडी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स ओन फैक्टर एट क्लॉटिंग फैक्टर को वो ज़्यादा बनाए नॉर्मली उसको ऐसे हॉमोन्स की तरह ही एक्ट करता है बॉडी में कि उसकी नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस हो सके एंड नेक्स्ट इज इसे इस टर्म को हम कहते हैं राइस बट द मीनिंग ऑफ दिस इज रेस्ट आ स्टैंड फॉर रेस्ट I stands for ice, C stands for compression and E stands for elevation. Rice is a treatment many healthcare professionals recommend for the joint bleed. It also reduces the swelling and tissue damage when used together with the clotting factor concentrates के साथ हम इसको आ, साथ में पेशेंट को ये ट्रीटमेंट के लिए स्टार्ट करने के लिए, के लिए कहते हैं। दिस इज द रेस्ट करना है प्रॉपर आइज कोल्ड कंप्रेश दे सकते हैं हम ठीक है एंड एलिवेट करना है वो पर्टिकुलर जो भी लिम्स में प्रॉब्लम है जॉइंट्स में नेक्स्ट इज द जीन थेरेपी रिसर्चर्स आर ट्राइंग टू डेवलप द वेज टू करेक्ट द डिफेक्टिव जीन्स डेट कॉज द हीमोफीलिया सच एज जीन थेरेपी हैज इंट यट डेवलप टू द पॉइंट दैट इट्स एन एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट बट द रिसर्च कंटिन्यू टू टेस्ट द जीन थेरेपीज फॉर द हिमोफीलिया इन द क्लिनिकल ट्रायल्स जिस कैन भी पॉसिबली अगर इसे करना हुआ इन केस ऑफ जेंटिकल ट्रीटमेंट जीन थेरेपी के फॉर्म में सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं एक क्लोन जीन क्रिएट करेंगे और जो भी प्रॉब्लम जिस भी जीन पे है ठीक है वो वहाँ से रिमूव करके अपना क्लोनिंग वाला पोशन वहाँ पे इसमें इंसर्ट करते हैं सो इंसर्ट द नॉर्मल जीन्स इनटू द वायरस एंड द वायरल न्यूक्लिक एसिड डिटो वायरस एंड इनफेक्ट द बोन मैरो सेल विद द वायरस एंड द वायरल डी एन ए इंसर्ट इन द क्रोमोसोम्स बोन मैरो सेल फ्रॉम द पेशेंट तो हम इसको फिर अगेन बोन मैरो में उसको इंजेक्ट कर देते हैं नेक्स्ट इज एंटी फेब्रिनोलिटिक मेडिसिंस एंटी फिबिलिटिक मेडिसिन में बी यूज विद रिप्लेसमेंट थेरेपी दे आर यूजली गिवन एज अ पील एंड दे हेल्प टू कीप द ब्लड क्लाट्स फ्राम द ब्रेकिंग डाउन एंड दीज मेडिसिन मोस्ट ऑफ एन आर यूज बिफोर डेंटल वर्क ऑल टू ट्रीट द ब्लीडिंग फ्राम द माउथ और द नोज और द माइल्ड इंटेस्टल ब्लीडिंग तो ये भी तब पॉसिबल है अगर पेशेंट को पता है कि उसे ये प्रॉब्लम है अगर उसे पता नहीं है ये प्रॉब्लम है तो फिर वो वो एपिसोड उसके ब्लीडिंग की कंटिन्यू करेंगे ठीक है नेक्स्ट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक ब्लीडिंग साइट सो पेन मेडिसिन दे सकते हैं स्टेराइड एंड द फिजिकल थेरेपी मे बी यूज टू रिड्यूज द पेन एंड द स्वेलिंग इन एंड अफेक्टेड जॉइंट कॉम्प्लीकेशंस नंबर ऑफ यहाँ पे कॉम्प्लीकेशन अराइज हो सकते हैं क्योंकि ब्लीडिंग इतना हो रहा है लाइफ थ्रेटनिंग हैमरेजेस हो सकते हैं जॉइंट और मस्टल चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं ठीक है सो अलर्जिक रिएक्शन हो सकती है टू द इनफ्यूज प्रोडक्ट विच वॉज इन्फ्यूज इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट ठीक है एंड डेवलपमेंट ऑफ़ द ट्रीटमेंट रेडेड इन्हीबिटर्स टू वॉर्स द फैक्टर्स एट एंड नाइन फॉर द डिफरेंट हिमोफिलिया टाइप्स के अकॉर्डिंग एंड ब्लड बोर्न इन्फेक्शंस हो सकते हैं प्रिवेंशन के लिए अवॉइड आई एम इंजेक्शंस ठीक है ताकि हम ये कोशिश करेंगे कि जितना पॉसिबल हो सके उतना हम उसको uh, इंजरी करने का या कोई साइड को पंचर करने से अवॉइड करें सो अवॉयड आई एम मेडिकेशन एंड अवॉइड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जिसमें लग सकती है एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने से एंड कंट्रोल ब्लीडिंग एपिसोड्स लोकल मेजर्स हम यूज कर करते अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ऑन दैट साइट ऑफ ब्लीडिंग एंड एलिवेट और आइस कंप्रेशन दे सकते हैं एपिस हैं तो फिर सिट अप एंड लीन फॉरवर्ड एंड प्रिवेंट ज्वाइंट डीजेनरेशन इमोबिलाइज द ज्वाइंट ड्यूरिंग द एक्यूट ब्लीडिंग एंड प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज एंड अवॉइड द प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी Next is the nursing management the first diagnosis is ineffective body protection related to the lack of clotting factor so the goal for this is to increasing the patient body protection and for that we can do the assess the patient body protection by uh, taking the complete blood count to uh, evaluate the patient condition and instruct the patient on the bleeding precautions to promote the early intervention to prevent the injury and assist with the administration of the factor uh, concentrations of fresh frozen plasma, and if the bleeding, uh, happens, patient ko then apply the cold compression at the bleeding site and avoid any route of the injection, that may be IM, IV, or subcutaneous. Next is uh, risk of aspiration due to the uncontrolled nose bleeding, and goal for that is to reduce the risk of the aspiration along with the control the nose bleed, and for that. Uh, we can use to assess the patient nose bleeding to evaluate the patient condition and we can apply the cold compression to reduce the nose bleeding. Along with the we have to instruct the patient to avoid from the exposure with the high temperature. So that uh, we use to avoid the nose bleeding and uh, avoid the patient in uh, doing major surgeries to avoid the excessive bleeding and replace the clotting factor and the blood product to increase the patient blood clotting. Next is pain-related bleeding into tissue so goal for this is to uh, we have to uh, verbalize with the patient to explain the patient that the pain is relieved to a satisfactory level and for that we have to assess the patient पेन बाय रिपोर्ट द लोकेशन इंटेंसिटी कितना है रेट ऑफ पेन कितना है ठीक है तो वो हम उसका चेक करेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी यूज टू एडमिनिस्टर द ओ पी एज प्रिस्क्राइब टू कंट्रोल द पेन फ्रॉम द सी टू द मॉडरेट लेवल एंड अवॉइड द आई एम इंजेक्शन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिकॉज अ रिस्क ऑफ द ब्लीडिंग इन टू द मसल विच कैन कॉज मोर पेन एंड रियज द लेवल ऑफ द पेन आफ्टर गिविंग दिस मेडिकेशन टू द पेशेंट रिलीविंग द पेन सो विदिन वन आवर आफ्टर एडमिनिस्टरिंग द ओ ऑफ द ट्रीटमेंट and monitor the sedation and the respiratory status of the patient receiving opioid of the pain uh, because opioid can cause depress the respiratory center of the brain so this is all about my today's topic hemophilia uh, if you really like this topic then please like and share my video and subscribe my channel as pediatrics thank you